2018 में सलमान अक्षय और अजय देवगन करेंगे कमाल। कहते हैं ना, वक्त बीते देर नहीं लगती, ऐसा ही कुछ इस साल हुआ, क्योंकि 2017 का लास्ट महीना भी बीत गया है और किसी को खबर भी नहीं हुई है। और फिर आएगा 2018 यानी कि नया साल, नया धमाल और नई फिल्में। दरअसल अभी से ही बॉलीवुड स्टार्स ने 2018 की तारीखें बुक कर दी हैं और 10 सुपरस्टार फिल्में इतनी शानदार लग रही हैं कि उन्हें देखने का इंतजार ही नहीं हो पा रहा है। उनकी लिस्ट हम आपको बताएंगे, क्योंकि 2017 में जिन फिल्मों की शूटिंग हुई है वो आपको बेचैन कर देंगी, लेकिन स्टार्स का 2018 का कैलेंडर दिलचस्प भी है और शानदार भी है। इन फिल्मों में से तो कुछ का इंतजार तो कई सालों से हो रहा है। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान सब एक ही साल में हिट प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन किसको धूल चटाता है। अक्षय कुमार मूवी गोल्ड, अक्षय कुमार हॉकी लेजेंड बालवीर सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। बालवीर सिंह भारत के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड की खानी से जाना जाता है। बालवीर के नेतृत्व में भारत के 3 बार ओलंपिक्स में स्वर्ण पद हासिल किया और इस खिलाड़ी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सन्स ऑफ सरदार, अजय देवगन सन्स ऑफ सरदार लोग खुद डायरेक्ट करेंगे और फिल्म की स्क्रिप्ट पर फिलहाल काम चल रहा है। फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पर बन रही है और इसलिए ही अजय देवगन से जब यह पूछा गया कि फिल्म की तुलना बाहुबली से होगी, क्योंकि बाहुबली भी युद्ध पर बनी शायद बेस्ट फिल्म है। आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, 2018 में आमिर खान का दबदबा तय है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक साथ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, धमाका तो होगा ही। माना जा रहा है कि यह फिल्म यशराज फिल्म का काफी महंगा प्रोजेक्ट है। बंधुआ, अगर सूत्रों के माने तो शाहरुख खान की आनंद एन राय वाली फिल्म का नाम बंधुआ है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन फिल्म दिसंबर 2018 में रिलीज होगी। फिल्म में शाहरुख खान बोने का किरदार निभाते नजर आएंगे। ऋतिक रोशन क्रिस 4, सूत्रों के माने तो राकेश रोशन को क्रिस 4 का आइडिया तब आया जब उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों से भगवान गणेश की तस्वीर दिखाई, तो उस तस्वीर में भगवान गणेश ने कृष्ण वाली मास्क पहनी थी और अब क्रिस 4 पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। अजय देवगन गोलमाल 5, गोलमाल 5 एक तमिल रीमेक होगी। फिल्म का नाम था सुद्धू, जिससे लोगों ने हाथों हाथ ले लिया था। उसी फिल्म के प्लॉट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रोहित शेट्टी गोलमाल 5 बनाने वाले हैं। हालांकि अभी फिल्म की हीरोइन ढूंढी जा रही है। ड्रैगन, आयन मुखर्जी और रणवीर कपूर की सुपर हीरो फिल्म की चर्चा है। यह 3 फिल्म 3 पार्टों में बनने वाली है, जिसे आयान आने वाले 10 सालों में पूरा करेंगे और इसमें रणवीर कपूर सुपर हीरो तो हैं, लेकिन हीरो नहीं, दरअसल फिल्म एक एंटी हीरो फिल्म है। इंतेफाक रीमेक, शाहरुख खान के रेड चिलीज इस फिल्म को प्रोड्यूसर करेंगे और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाई देंगे। वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस होंगी सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा इंतेफाक एक सुपर सस्पेंस फिल्म थी, जहां एक आदमी को उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सलमान खान दबंग 3, सलमान खान की दबंग 3 को लेकर आखिरी ऐलान हो चुका है और चुलबुल पांडे एक बार फिर ईद 2018 पर दस्तक देंगे। अरबाज खान तेजी से फिल्म की कहानी लिख रहे हैं और फिल्म जनवरी 2018 से फ्लो पर चली जाएगी, यानी कि सलमान खान दंदनादन शूट करने वाले हैं क्योंकि ईद पर फिल्म को रिलीज होना है। अक्षय कुमार क्रैक, अभी तक तो फिल्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, सिवाय इसके कि फिल्म 2017 में रिलीज होने वाली थी। फिर शाहरुख खान की फिल्म आते ही अक्षय ने उनके लिए अपनी डेट आगे कर दी, अब फिल्म 2018 में रिलीज होगी। ये थी एसएन न्यूज की रिपोर्ट।